कुछ इस तरह की जो है आपको परमानेंट इस गाड़ी के साथ में मिल जाएंगी। और ये अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको लॉक का बटन मिलता है, अनलॉक का बटन मिलता है, साथ में इसको होल्ड करेंगे तो आपको जो है इसका बूट वो है ओपन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट के बारे में। जी हाँ, ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है और आप देख सकते हैं काफ़ी बदलाव जो है इस गाड़ी के साथ नज़र आ रहे हैं। क्या क्या बदलाव हैं एक एक करके शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले अब बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए अपने सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो आइए एक नई गाड़ी की शुरुआत करते हैं, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें एक नई गाड़ी को कवर करते हैं। दोस्तों, इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये आपको दो इंजन ऑप्शन में मिल जाती है, जैसे कि आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि कापा इंजन है, 1.2 कापा इंजन है, और वही आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इनलाइन में आपको CRDI यानी कि डीजल इंजन मिल जाता है। पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पर आपको 82 BHP की पावर और 113 NM का टॉर्क मिलता है, वहीं डीजल में 99 BHP की पावर और 240 NM का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में करीबन 17.5 का माइलेज और वहीं डीजल में 23.5 का माइलेज जो है गाड़ी निकालती है। फिलहाल इसकी कैप ओपन करने की कोशिश की, लेकिन हमसे जो ओपन है ये कैप नहीं हो पाई। मैं बता दूं, डीजल में आपको टर्बो चार्ज इंजन जो है यहाँ पर मिल जाता है, एक मजबूत इंजन के साथ में गाड़ी लॉन्च हुई है जो कि बेहतर रिजल्ट देने के लिए मच कैपेबल इनफ है और मैं समझता हूँ हाईली रिकमेंडेड है, जो उनको टॉर्क वगैरह और मैं समझता हूँ पावर की कमी महसूस नहीं करनी है, वो इस गाड़ी पर जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो है बुडमो। बुडमो एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट भी है जहाँ पर जाकर आप किसी भी गाड़ी का कोई भी स्पेयर पार्ट वहाँ से मंगवा सकते हैं, आपके घर पर होम डिलीवरी उसकी हो जाएगी। खास बात यह है, अगर वह स्पेयर पार्ट आपकी गाड़ी में फिट नहीं होता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं 10 दिनों के अंदर अंदर। कैंसिल पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ के साथ इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खास बात यह है कि आपको क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर आपको सिर्फ अपनी गाड़ी का जो मेक है वो सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है और बस आप परचेजिंग जो है शुरू कर सकते हैं। तो देर किस बात की, किसी भी स्पेयर पार्ट को ऑर्डर करने के लिए आप मोबाइल पर जाकर अपना ऑर्डर करें और साथ के साथ डाउनलोड कहां से करें, डाउनलोड करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से। दोस्तों, शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। देख सकते हैं आप गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल कुछ किस तरह का है। यहाँ ये पूरी तरह से जो है बदल चुका है, आप देख सकते हैं एक नई ग्रिल इस गाड़ी को दी गई है जिसके अंदर हुंडई का एक बड़ा सा टस्टेबल लोगो जो है गाड़ी के अंदर लगा दिया गया है। वहीं नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट की जगह मिलेगी जैसे आपको हमेशा मिलती है। उसके नीचे यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो जो जैक लगता है जिससे गाड़ी को पुल किया जाता है वो बेसिकली यहाँ पर लगता है। उससे अलग यहाँ पर आपको जो वेन्यू की नंबर प्लेट है, बेसिकली यहाँ पे वेन्यू लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट जो है लग जाएगी। नीचे की तरफ आपको एयर वेंट दिया गया है जिससे आपका रेडिएटर जो है वो ठंडा रहता है। वहीं बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल से। फिलहाल साइड प्रोफाइल में जाने से पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके लाइट यूनिट की। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो लाइट्स हैं बेसिकली ये आपको मिल जाते हैं इसके इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स अलग यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिल जाते हैं हेलोजन प्रोजेक्टर्स, और यहाँ पर बेसिकली आपको मिल जाते हैं इसके जो हाई बीम लो बीम वो हैं। फिलहाल इसको गाड़ी को फोग लैंप जो है वो नहीं दिए गए हैं, चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते क्योंकि इस जगह पर कहीं पर भी आपको इतना स्पेस दिया ही नहीं गया है। फिलहाल इस जगह पर आप देख सकते हैं ये आपके DRLs हैं जो गाड़ी को और भी ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल से और इस तरफ से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बड़े टायर प्रोफाइल दिया गया है जो कि 16 इंचेस के जो है टायर दिए गए हैं। इनका प्रोफाइल बात करें तो 215/60 रेडियन 16 यानी कि 16 इंचेस के टायर जो है यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिलहाल C8 के टायर जो है इसको दिए गए हैं और हुंडई की बैजिंग के साथ में आपको एक नया जो कहते हैं अलॉय व्हील्स हैं वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो फिलहाल इसके जो लुक में एक ये भी बदलाव आप कह सकते हैं। फिलहाल साइड से बात करें तो यहाँ पर आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ORVMs मिलते हैं और इसी के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर्स जो है इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। फिलहाल बात करें साइड प्रोफाइल में इसके हैंडल की, तो हैंडल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्रोम का जो है इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको एक पूरी की पूरी क्लैडिंग दी गई है जो गाड़ी को मतलब एक अलग ही डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर रही है। क्लैडिंग के साथ साथ बात कर लें पीछे के प्रोफाइल की, सबसे पहले बता दूं यहाँ पर आपको इसका पेट्रोल का यूनिट जो है वो दिया गया है। इसको आप फिल ओपन करेंगे और यहाँ पर आप फिल जो है वो डलवा सकते हैं। फिलहाल एक पूरा बदलाव अगर हम बात करें तो यहाँ गाड़ी के पीछे के लुक से हो जाता है। फिलहाल आप गाड़ी का पीछे लुक जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल चेंज है। फिलहाल हम बात करते हैं शुरुआत से, तो पहले की तरफ जो पीछे लुक था वो इस तरह का जो लुक था वेन्यू का नहीं था। फिलहाल अब ये नया लुक जो है वो कुछ इस तरह से एक ब्लैक कलर की पूरी पट्टी दे दी गई है जो पहले नहीं थी। फिलहाल आप देख रहे हैं ये SX मॉडल है
और यहाँ पर आपको इसके प्रोजेक्ट वो रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर इंडिकेटर शायद ये भी एक तरह का लाइट यूनिट ही है। उससे अलग बात करें तो यहाँ पर आपको इसको दो बैक सेंसर्स दिए गए हैं। पहली वाली के अंदर भी आपको इसी तरह से बैक सेंसर्स मिल जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर वेन्यू की बैजिंग दी गई है, एक बड़ा ट्रस्टेबल लोगो जो है हुंडई का यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल एक बड़ा बदलाव जो आपको सामने से मतलब पीछे से देखते ही बनता है वो है यहाँ पर एक आपको पियानो फिनिश के साथ में एक बड़ी सी क्लैडिंग दी गई है, बड़ा जो है इस गाड़ी को बिल्कुल ही डिफरेंट लुक दे रहा है। फिलहाल बात करें तो यहाँ पर इसकी ब्रेक लाइट्स हैं, और ये एक पट्टी जो ब्रेक की है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये पूरा जो है इस हिस्से को कवर कर रही है। तो ये तो हो गया गाड़ी का बैक लुक। उससे अलग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसका बैक वाइपर्स मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोग रिमूवर्स की लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये बैक लाइट की यूनिट हो गई, और यहाँ से बेसिकली पानी गिरेगा जिससे कि आप अपना शीशा चाहें तो वाइपर के थ्रू साफ़ कर सकते हैं। फिलहाल फिश एंटीना आपको यहाँ पर दिया गया है, और ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको रूफ रेल जो है वो दी गई है, और ये भी काफ़ी मजबूत रूफ रेल जो है वो नज़र आती हैं। साइड प्रोफाइल आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन उससे पहले बात कर लें तो यहाँ पर आपको इसका सेंसर्स मिल जाते हैं लॉक और अनलॉक के। फिलहाल चाबी मेरे पास नहीं है तो इस तरह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल की भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को एक बार अंदर से देख लेते हैं। फिलहाल अंदर चलने से पहले आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की कीज़। कुछ इस तरह की गाड़ी की की जो है वो नज़र आती है, जैसे आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा कि अधिकतर जितनी भी गाड़ी है हुंडई की अभी इस कीज़ को जो है वो प्रमोट कर रही है। फिलहाल कुछ इस तरह की की जो है आपको परमानेंट इस गाड़ी के साथ में मिल जाएंगी, और ये अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको लॉक का बटन मिलता है, अनलॉक का बटन मिलता है, साथ में इसको होल्ड करेंगे तो आपको जो है इसका बूट वो है ओपन हो जाता है। फिलहाल चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको गाड़ी अंदर से दिखाते हैं। तो भाई ये हो गया गाड़ी का लुक, लेकिन इससे पहले इसको एक बार इंस्ट्रूमेंट जो है इसका मतलब डिस्प्ले जो है वो एक बार ऑन करके आपको दिखा देते हैं। तो फिलहाल गाड़ी की आपने देख लिया, और हम अंदर से बात करें तो गाड़ी का लुक कुछ किस तरीका है। लेकिन सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो मुझे इस बार लगी दोस्तों वो लगी है सनरूफ। जी हाँ, बड़ी अच्छी सी सनरूफ जो है इस गाड़ी को फिलहाल दे दी। आप अपना हाथ हूत बाहर निकालो, मजे करो यार, सनरूफ का एक अलग ही अपना मजा है। फिलहाल बात करते हैं गाड़ी के लुक की। तो यहाँ पर आपको 3-spoke स्टेयरिंग जो है दिया गया, बेसिकली 3 नहीं, इसको 4 भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट्स जो है एक्स्ट्रा आ चुकी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सिल्वर का इस्तेमाल जो है गाड़ी को दिया गया है। वैसे अच्छे से फिनिशिंग जो है गाड़ी को दी गई है, अच्छे से जो है लेदर को काफ़ी बढ़िया तरीके से रैप जो है वो किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं, अब शुरुआत दरवाजे से करते हैं। तो थोड़ा सा अपने पास लेके आते हैं दरवाजा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको क्रोम का इस्तेमाल, क्रोम नहीं है बेसिकली, ये सिल्वर काइंड ऑफ टच जो है इस गाड़ी को दिया गया है। यहाँ ट्यूटर की जगह है, और यहाँ पर आपके जो कंट्रोल्स हैं, आपके शीशों के कंट्रोल्स हैं, ORVMs के जो कंट्रोल्स हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और वन टच डाउन जो है यहाँ पर आपको ड्राइवर सीट जो है मिल जाती है। फिलहाल ऑटो रेटेटेबल जो है वो बेसिकली इसका जो ORVMs है वो। फिलहाल स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर हुंडई का ट्रस्टेबल लोगो, और यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मिल जाता है। फिलहाल चाबी मेरे पास में है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर बैटरी जो है लो हो चुकी है, मैं इसलिए आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता हूँ। फिलहाल 4 AC वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और उससे अलग एक अलग ही डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्ले जो है इस बार इस गाड़ी को दिया। मैं आपको बता दूं काफी रिफाइंड जो डिस्प्ले है बेसिकली इसका दिया गया है। इसका टच सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन मानिए बहुत ही बढ़िया है। जब मैंने पहली बार चलाई थी लेकिन मैं उस वक्त वीडियो नहीं बना पाया था। फिलहाल बहुत ही ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले जो है इसका यहाँ पर इस बार दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर इसके सारे नेविगेशन के कंट्रोल, नेविगेशन का कंट्रोल यहाँ पर है, मैप कंट्रोल बेसिकली यहाँ पर, और इसके जितने भी रेडियो मीडिया सेटअप जो कुछ भी इसको इस टच स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए जो आपको चाहिए वो बेसिकली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उससे अलग यहाँ पर इसके जो चारों इंडिकेटर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स मतलब पार्किंग लाइट्स हैं, उसको ऑन करने का तरीका बेसिकली बटन यहाँ पे दिया गया। और इसके जितने भी मतलब इंस्ट्रूमेंट के जितने भी आपके कंट्रोल्स मिल जाएंगे इसके टच स्क्रीन के, वो सब आपको यहीं पर मिलेंगे। फिलहाल नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको रियर के जो डिफोगर्स हैं उसको यूज करने का तरीका है, फ्रंट के डिफोगर्स बेसिकली जो अंदर से हवा और बाहर जो कंट्रोल करते हैं वो बेसिकली यहाँ पर है। फिलहाल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है, छोटा सा डिस्प्ले आपको जो आपकी अंदर के टेम्परेचर को बताएगा वो आपको यहाँ मिलता है, और यहाँ पर आपको इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। एसी के यूनिट जो है वो यहाँ से कंट्रोल हो सकती है। फिलहाल एक USB आपको यहाँ पर मिल जाता है, 12 वोल्ट का अडाप्टर बेसिकली आपको यहाँ मिल जाएगा, और टाइप सी चार्जिंग केबल भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिलहाल यहाँ बात करें तो ये आपको वायरलेस चार्जर आपको बेसिकली यहाँ पर दिया गया है। ये आपका 6-speed गियर है, और 1 बैक गियर आपका यहाँ कुछ इस तरह से लगेगा। नीचे की तरफ जो है आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक बटन है जिसको आपको दबाना होता है, और उससे अलग आपका 6
फ्रंट ड्राइविंग मोड जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिलहाल बात करें, यहाँ पर इसको आर्मरेस्ट दिया गया है और खास बात यह है कि बेसिकली यहाँ पर आपको आप बटन देख रहे हैं, ये बेसिकली इसका जो एयर प्यूरीफायर जो है बेसिकली इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, जो कि पीछे की तरफ आप दिखाओ यहाँ से कंट्रोल हो जाता है और उसका डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर आ जाता है। ये इसके अंदर वैसे बात करें तो यहाँ पर आपको छोटा मोटा सा सामान ग्लव बॉक्स जो है वो भी दिया गया है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। और यहाँ पर आपको हैंड्रिक जो है वो मिल जाते हैं, छोटे मोटे सिक्के आप यहाँ पे रख सकते हैं और छोटे से ग्लास होल्डर जो है बेसिकली यहाँ पे मिलेंगे। एक तो आप नॉर्मल ग्लास रख सकते हैं, एक बड़ा छोटा सा ग्लास जो है वो होल्डर जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल सामान रखने के लिए या फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस यहाँ पर मिलता है और उससे अलग आपको एक छोटा सा ग्लव बॉक्स यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल बात कर लें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर में डिस्प्ले मिल जाता है, ग्लास मिल जाता है और पैसेंजर साइड आपको जो है ग्लास नहीं मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी में पीछे की तरफ और आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ कि पीछे से गाड़ी का लुक कुछ किस तरह का हो चुका है। बेसिकली अंदर कंफर्टेबल तो गाड़ी है, वैसे मैंने पीछे सीट की हुई थी अपनी और यहाँ पर मेरे पास में काफ़ी इनफ स्पेस मिल जाता है अगर मैं नॉर्मली बैठता हूँ। भाई साहब आप ये देखो पसीने कितने जाता है। अगर ऐसे में भी आपका सब्सक्रिप्शन नहीं आता है वीडियो पर तो काफ़ी बुरा लगेगा, यकीन मानिए। फिलहाल स्पेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पीछे दरवाजों की बात करें तो भी आपको कप होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह जो है या फिर आप जिसको ग्रैब हैंडल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वही सिल्वर का थोड़ा सा इस्तेमाल इस गाड़ी को दिया गया है। और यहाँ पर आपको जो है इसकी यूनिट दी गई है एसी वेंट की, बेसिकली एसी वेंट नहीं है, सिर्फ आपका जो ब्लोअर है हवा देने वाला वही है। फिलहाल दो टाइप्स ही आपको मिल जाएंगे और यहाँ आपको एसी के कंट्रोल्स जो है बंद खोलना ये सब चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। फिलहाल पीछे से लुक कुछ इस तरह का है और मेरी हाइट है 5.8 इंच, तो आप देख सकते हैं 5.8 के हिसाब से भी मेरे पास इनफ स्पेस है, यहाँ पर किसी भी तरह की कमी नहीं है। आपके सामने है हुंडई वेन्यू का फेस लिफ्ट। आई बिलीव कि आपको ये गाड़ी अच्छी लगी होगी और लगी कैसी भाई मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हुंडई वेन्यू बेसिकली फेस लिफ्ट वर्जन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मुझे ये गाड़ी बहुत बढ़िया लगी और बहुत ही मतलब चेंजेस हैं, कुछ इसी तरह का लुक जो है हुंडई क्रेटा के अंदर भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल तो क्रेटा लॉन्च नहीं हुई तो हमारे पास में एक बढ़िया व्हीकल जो है हुंडई वेन्यू का है। आपको कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।